चक्को जी पाता पो हो गया भाई काम सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेरे को नहीं समझ लगती भाई। कल देखा होगा अपने व्लॉग, मैंने कहा था भाई ऊबर से कुछ मंगाएंगे खाने के लिए, भाई कॉम्बो किया था ऑर्डर, आई नहीं भाई। मतलब मैं कुछ समझ नहीं आ रहा हुआ क्या मेरे साथ। मतलब ड्राइवर आया तो उसने कहा हाँ जी भाई वो ना कोई बॉस्टन पिज़्ज़ा पकड़ाई गया हमको। भाई हमने किया था अपना पॉपुलर पिज़्ज़ा, तो वो कहता भाई मेरे पास आपका ऑर्डर नहीं है, ये है वो है। हमने कहा भाई क्या सीन हो गए, तू बता क्या हुआ क्या, हमको समझा। तो उसने थोड़ा समझाया हमको, फिर आधा घंटा वो भी बेचारा भी खड़ रहा भाई बाहर जाके, उसने ऊबर वाले से बात करी कस्टमर सर्विस पे, ये है वो है ऐसा उसा सीन वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई मतलब कि आपको पैसे वापस आ जाएंगे। तो भाई जाके मैंने ऊबर पे लिखा कि मेरा ऑर्डर आया ही नहीं है। तो क्या सीन था भाई, ऑर्डर ना डिलीवर्ड वहाँ पे शो हो रहा था पहले ही। वो कहते हमने पैसे नहीं देने भाई। अब ये $64 का सब कुछ मंगाया था, कॉम्बो था भाई, एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा, 6-7 टॉपिंग करवाई थी भाई, 6 कोक थी, मतलब कॉम्बो चला था, 6 कोक थी, 20 चिकन विंग्स थे भाई। इतना मज़ा आ रहा था ना खा के, क्या क्या सोचा था भाई। फिर एंड में किया भाई बर्गर वगैरह खा के सो गए। लेकिन स्नो के हालात देख लो, ये स्नो है पीछे देख लो भाई, फुल मतलब विंटर वंडरलैंड टाइप बना ही हुआ है। देखते हैं क्या सीन बनते हैं क्या नहीं बनते। बाकी अभी चल रहे हैं टिफिन उठाने और स्नो शूज़ पहन के जा रहा हूँ। आज काफ़ी टाइम हो गया था मैंने स्नो शूज़ नहीं पहने, मैंने कहा चल यार आज पहन नहीं लेते स्नो शूज़, बेचारे पड़े पड़े ख़राब ना हो जाए, है ना, स्नो पड़ रही मेरी। फाइनली भाई आए ना स्नो शूज़ भी मेरे काम आ ही गए। ये स्नो है बाकी ये रास्ता तो उन्होंने क्लियर कर ही देते हैं भाई, रातों रात क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जैसे स्नो रुकी होगी ना साथ ही बंद कर दिया होगा उन्होंने, मतलब सारा क्लीन कर। चलो भाई वो तो जो होना था हो गया। प्लस मेरे को नहीं समझ लगता कि भाई मेरे क्यों होते हैं पिंपल्स, ये देखो एक मेरे यहाँ पर हो गया माथे पे। भाई मेरे को ना कोई इलाज करवा दो प्लीज़। मेरे को कसम से भाई मेरे को नहीं पता विश्वास कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे भाई। इंडिया में कोई पिंपल नहीं होता था यार। बाकी बालों की क्या पोजीशन लग रही है, मतलब बताओ यार कितना टाइम लगा ग्रो करने में। यहाँ से अच्छे लग रहे, इस साइड से अच्छे लगते हैं, ऐसे ठीक लग रहे हैं। मेरे को बताओ मैं ही ऐसी हरकतें क्यों करता हूँ व्लॉग में, जब व्लॉग शुरू होता है मैं क्यों करता हूँ ये वाली हरकतें। बट ठीक है चलते हैं, चिल है भाई, कोई देख नहीं रहा, आप लोग देख रहे हो ना, बस आपका सपोर्ट चाहिए अपने को और कुछ नहीं। बाकी आज कर रहा है नान खाने का दिल तो फ़ोन लगा दिया सीधा, मैंने कहा भाई नान कर देना और आज फिर क्या खाऊंगा मैं, चिकन करवा लूँगा एक और साथ में वाइट चने करा लूँगा साथ में नान। भाई अपना टिफिन का बहुत चिल है, कुछ भी मंगा लो चाहे कुछ भी खा लो, जैसे आठ चपाती मिलती है ना तो उसकी जगह आप 3 नान करवा सकते हो, चाहे रोज़ करवा लो, उनकी मर्जी है भाई, उनकी मर्जी मतलब आपकी मर्जी है। बाकी भाई मेरे को बताओ यार अगर मैंने गाड़ी लेनी हो सस्ती तो कहाँ से ढूंढूँ मैं, किसी को बताओ तो बताना मेरे को, इंस्टा पर IDM कर देना, मतलब बता देना भाई। वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस ही देख रहे हैं लोग, देखता हूँ मैं, सोच रहा हूँ कि ले लूँ गाड़ी। बाकी अभी देखते हैं पैसे आएंगे किसी कहीं जगह से, जुगाड़ होगा तो देखते हैं। बाकी स्नो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ गई है भाई, ये देखो पेड़ पे भी लगी हुई स्नो अभी तक। तो अभी चलते हैं, ठंड तो ठंड नहीं है भाई, जिप देख लो ओपन है, हाथों पर ठंड लगती है, एक हाथ अपना जेब में एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो अभी फ़ोन करेंगे बंद और टिफिन उठाएंगे घर जाएंगे सोएंगे। सोना तो चलो नहीं है, कल मैं क्या देख रहा था, संजू देख रहा था, हाँ भाई संजू देख रहा था, और आज मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वो देखूंगा आज, ऋतिक रोशन की वो देखेंगे आज। बाकी ये देख लो भाई ये है सुनो ब्लैक आइस, ठीक है ये वाली ब्लैक आइस है, ये तो अभी फिर भी फ्रेश है, मतलब ये है ब्लैक, इस पर गिरने का चांसेस रखते हैं। बाकी कभी स्नो शूज़ वगैरह पहनते हैं लोग, और ये देखो जमी हुई है स्नो, काफ़ी बुरे हाल हो गए भाई स्नो के ना। बाकी ठीक है चिल है, हो गया भाई काम, चक्को जी पाता पोक, जस्ट अनदर डे इन ब्रैम्पटन, नथिंग एल्स भाई, ये चलता रहता है इधर रोज का सीन। देखो मतलब लोग कैसे आग लगा रहे हैं, मैं तो आपको बताता हूँ। एक था भाई अपना गाड़ी थी, मतलब ये पीछे देखो सड़क है, अंदर ये प्लाजा है, पंजाबी बाजार प्लाजा है ये, तो एक बंदा प्लाजे के अंदर था, एक मेन सड़क से आ रहा था, तो जो प्लाजे से आ रहा था ना उसकी बात कर रहे हैं कि वो तेज था। मैंने तो स्टोरी सुनी ना ही, मेरे को इंटरेस्ट है भाई ठंड में खड़े होकर स्टोरी सुनूंगा, है ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वो मैंने देखी तो मैं देखा, मैंने कहा देखूँ यार नुकसान ज़्यादा तो नहीं, नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ भाई, ज़्यादा बिल्कुल बहुत कम नुकसान हुआ, मतलब गाड़ी वगैरह को जो भी हुआ थोड़ा सा ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या सीन हुए, वो बंदा तो भाई कह रहा था कि तेरी गलती है, दूसरा कह रहा तेरी गलती, गलती तो कोई मानता नहीं अपनी भाई, ऑब्वियस है, अभी आप अपनी गलती मानोगे नहीं ना, तो आप अपनी गलती नहीं मानोगे, वो सामने ना बंदा भी नहीं मानेगा अपनी गलती। तो ठीक है दोनों जने मतलब पाँच को मिनट बहस हुई, मतलब बहस पहले की चल रही थी जब मैं सड़क पार कर रहा था, मैं नहीं 5 मिनट खड़ा हुआ, मैं 1 मिनट खड़ा हुआ बस, फिर बहस चली और 5 मिनट के बाद एक बंदा चला गया, कहता छोड़ यार मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, ऐसे उसने कहा कि चल यार लेट इट बी, कहते ना आजकल डायलॉग चलते हैं लेट इट बी,
लोग कहते हैं लेट इट बी, ठीक है, तो उसने कह दिया लेट इट बी। तो भाई पीछे खड़े दो बंदे, वो कहता भाजी मैं देखा, भाजी मैं देखा, इसकी गलती थी, कॉल करो पुलिस को, मैं विटनेस हूँ, मैं विटनेस हूँ। उसने खींची बंदे की फोटो, गाड़ी की फोटो, वो बंदा भी भाई सब पंजाबी है भाई, आपको पता है पंजाबी चिकरे वाले होते हैं बंदे। तो उसने भी कह दिया हाँ ठीक है, मैं इतने खड़ा, बुलाला पुलिस। भाई ऐसे हुआ, फिर मैं चला गया, मतलब इतना हाथापाई तो नहीं हो सकती, चलो अभी ये ब्रैम्पटन है, इतनी छोटी सी बात के लिए हाथापाई नहीं होगी भाई, कैनेडा में, कैनेडा में इतनी छोटी बात के लिए हाथापाई नहीं होगी, क्योंकि भाई कौन ही फंसेगा। तो अब आएगी पुलिस, मेरे को नहीं पता, मैं वेट करने को कर सकता था, मेरा कॉन्टेंट नहीं ना इजिली भाई, इजिली कॉन्टेंट निकाल सकता था मैं बड़ी आराम से, और व्यूज़ भी आ जाने, व्यूज़ आ जाने, आपको भी पता भाई, लोग जनता क्लिक बैट देखती है। बट कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार, हम घर जाके अपने खाएंगे नान, और मेरे को भाई किसी में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है किसी की लड़ाई देखने में, या तीसरे घर में कुछ हो रहा हो, और अपने आप में जाने भाई, दो लोग कर रहे हैं ना, दो लोगों की सुनो, तीसरे बंदे की मत सुनो, तीसरे बंदे काम खराब करते हैं, चाहे कुछ भी हो, जब तीसरे बंदे की एंट्री होगी मतलब सब कुछ खत्म। और ये दूसरे भी मत ले जाना, मतलब भाई स्नो में लड़ी जा रहे हो यार तुम, ठंड है, शर्म कर लो। और भाई हुआ भी क्या, बम्पर टू बम्पर, मतलब भाई चलो नुकसान तो हुआ है, अब जिसकी बिल्कुल भी गलती नहीं वो तो भाई रोएगा ही थोड़ा सा, कि भाई मेरी तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मेरे को क्यों फंसा रहे हो तुम। देखो ना, स्नो की शर्म कर लो, थोड़ी लिहाज कर लो, घर जाके पकौड़े वगैरह खा लो। बट नहीं भाई, अगला कहता मेरी गलती है, वो कहता नहीं तेरी गलती है, भाई ऐसे ही होता है यहाँ पे। बाकी भाई एक बात है सोचने वाली, कि भाई तेरे को क्या लेना देना यार, जो तीसरे बंदे की बात कर रहा हूँ, कि तेरे को क्या लेना देना, पाजी मैं विटनेस हूँ, पाजी मैं विटनेस, भाई जो मर्जी हो तेरे को क्या है भाई, तू क्यों लड़ रहा है, तू क्यों बीच में आ रहा है यार। अगले ने शॉर्ट भी कर लिया था, कसम से शॉर्ट कर लिया था उन्होंने, वो उसने आग लगा दी, अगले ने फिर साइड में लगाई गाड़ी गुड़ी। तो अगले जा रहे थे स्टार्ट स्टूट करके, जा रहे थे अपने काम धंधे पे जा रहे होंगे भाई, ऑब्वियसली कोई हर कोई वेला नहीं है यहाँ पे। हम किस बात पे पड़ गए भाई, बात ये चल रही थी कि भाई वो बंदे का क्यों मतलब बन रहा है, मेरे को समझ आता है कि तीसरे बंदे को किस चीज़ की चुल चढ़ती है हर बात में। वो कही जा रहा भाई मैं विटनेस हूँ, मैं देख के रहा हूँ भाई तेरे को क्या है यार। देखो भाई ऐसा था सीन, एक गाड़ी यहाँ से आ रही थी, मतलब ये गाड़ी मतलब सीधी आ रही थी, वो तो चलो बात बूत करने लग पड़े शायद, वो एक गाड़ी यहाँ से मतलब आ रही थी अंदर को, और ये सीधे जा रहा था, तो प्रॉब्लम उन्होंने कह दिया कि ये तेज निकाल रहा था। भाई इसकी क्या गलती, मेरे को गलती तो मेरे हिसाब से इसकी थी, बट आपको पता है भाई मैं ना किसी फालतू चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ बोलता। और भाई मैं कौन होता बोलने वाला यार, आप लोग देखो आपकी गाड़ी है, मेरा क्या जा रहा है, मेरी कौन सी रिश्तेदारी आपके साथ है ना, तो भाई आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, ठीक है, जिसके लिए केयर करते करते हैं अपने बंदों के लिए। बाकी ये वेली बनती के लिए टाइम है, बस चाहे घर बैठ के मैंने फ्री बैठना है, बट ये वेली बनती नहीं कर सकता मैं, आई एम सॉरी। तो ठीक है भाई, चल रहे हैं अभी टिफ़िन लेने जाऊंगा, उसके बाद जाएंगे कॉलेज, भाई कॉलेज है तो बाद में करता हूँ लोग, भाई अभी थोड़ा लेट हो गया, बात तो है नहीं कोई करने वाली, कोई अपडेट नहीं है भाई, सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं, काम लगवा दो, आज कॉलेज से जाके रिज्यूम वगैरह निकलवा के लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद करते हैं फ्लाई वगैरह। बाकी स्नो तो है ही है भाई, ये रास्ता रूट का क्लियर कर दिया उन्होंने। भाई कॉलेज में आ गया था, ठीक है, जल्दी आ गया यार, मतलब मेरी क्लास है 4:30 बजे, मैं आ गया 3:30 बजे के हिसाब से, मतलब मैं 3 बजे पहुंच गया था, 3:30 बजे हैं, मेरे को पता था तो भाई कि भाई उन्होंने चेंज तो करना नहीं अब स्केड्यूल, लेकिन मैंने कहा चल यार एक बारी जाके लास्ट ट्राई मारते हैं जिंदगी की, कि शायद चेंज कर दे, बट वो कहते नहीं भाई चेंज नहीं हो सकता, और कहते अगर इतनी ही है आपको मिलना है तो फ्राइडे को बैठे होते हैं 2 से 3:30, अब फ्राइडे तक वेट करूँगा नहीं भाई, मेरी आज क्लास है तो फिर लगाएंगे 4:30 से 9:30, बट वही है भाई देख लेंगे शिफ्टों को जो भी बनेगा, वैसे भी कौन सा काम मिल रहा है, दिन के वक्त ढूंढ लेंगे, प्लस रिज्यूम वगैरह निकलवाऊंगा अभी, और देखते हैं जो भी सीन बनता है करते हैं, कोई ना कोई हीला तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि काम किए बिना भाई सर नहीं सकता इस कंट्री में, और काम तो करना ही पड़ेगा, ढूंढेंगे आज से कल से ढूंढना शुरू करूँ, ठीक है। अभी भाई घंटा बड़ा था तो मैंने कहा घंटा अब क्या ही करूँगा मैं, तो जाके भाई मौका इसका पीने का दिल कर गया था, ठंडा, मैंने कहा अब ठंडा पी नहीं है यार, कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीने हो गए मैंने ठंडी पी नहीं कोई भी चीज़, मतलब टीम से वही पीनी शुरू कर दी, वाइट हॉट चॉकलेट आपको पता ही है, तो आज मैंने कहा मौका पीते हैं, प्लस एक घंटा पड़ा अब घर नहीं जाऊँगा वापस, क्योंकि 1 घंटे में 40 मिनट तो घर जाने में लग जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा ना, तो देखते हैं जो भी सीन बनता है, और फिर प्रिंट आउट भी निकलवा लूँगा कॉलेज से रिज्यूम वगैरह, तो टाइम पास हो जाएगा कोई चक्कर नहीं 1 घंटा, फिर यही है भाई अब थोड़ा बिजी रहेगा स्केड्यूल, इस बार भाई 4 दिन है हफ्ते में कॉलेज, मतलब 1 दिन ऑनलाइन, वो ऑनलाइन में तो कुछ होता नहीं है, गेम वगैरह ही होती है, खेलनी होती है, प्लस 3 दिन है ऑफलाइन, पिछली बार 2 दिन था ऑफलाइन सिर्फ और 1 दिन ऑनलाइन था, बाकी ऐसे ही है भाई, सेकेंड सेमेस्टर में हो गए हैं, पिछला पास हो गया ये हो गया, बस ऐसे ही ऐसे करके निकल जाएगा ये भी टाइम, और बस मेन तो भाई काम की समस्या चल रही है, अभी काम ढूंढते हैं, वो मिल जाए ना फिर उसको लाइफ सेट है भाई, सब कुछ सेट है, करते हैं कोई ना कोई हीला तो करने पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो बस यार अभी बस यार जॉब की बहुत होगी कहानी, चुपचाप टीम पे जाते हैं, और भाई पिंपल को कोई इलाज है भी नहीं, क्यों, क्योंकि भाई तला तो भाई खतरा तो खुद ही, खाने भाई मलाई मेथी चिकन तो फिर ऐसे ही होने हैं,
और भाई डेली ये डेली का चिकन ऑयली भाई सब कुछ, कभी चिली चिकन खा रहा हूँ कभी कुछ खा रहा हूँ, यही है भाई टिफिन की खानी यही है। आज मैं मंचूरियन लेके आया था साथ में, तो कहाँ से जाएंगे पिंपल भाई, होंगे ही पिंपल, कोई चक्कर नहीं है, फिर क्या उधर जाएंगे भाई पिंपल भी अपने आप, उनको भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे से, कोई चक्कर नहीं। तो ठीक है भाई, कॉलेज आए थे और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कॉलेज का अपडेट यही है भाई, अकाउंट्स है भाई, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस बार, मतलब पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल तो क्या ही है, बट ठीक है जो भी है, डेबिट क्रेडिट समझने पड़ेंगे फिर से, मतलब वही पंगे रस्सू वाले बना लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, सीन बनी। बाकी आज का कॉलेज यही था, दो लेक्चर थे अपने, और रात की समस्या क्या होती है भाई, फिर से मेरे को 1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ा। थी दूसरी बस भी थी, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि भाई बस नहीं चल रही ब्रैम्पटन में, बट भाई मेरे को लिटरली फिर ना 15-20 मिनट रुकना पड़ता दूसरी बस के लिए, इसलिए फिर मैंने कहा 15 मिनट की वॉक ही कर लूँगा, और फिर बस भाई घुमा के लेकर आती है पूरी, तो टोटल लगना था, नहीं तो फिर मेरे 35 मिनट, अब 15 या 18 मिनट में आ गया धीरे धीरे आराम से भाई। अच्छा मेरे को थोड़ा ना अच्छा भी लगता है थोड़ी सी वॉक करनी भी, कि चल सारा दिन मैं थोड़ी सी वॉक भी कर ली, क्योंकि भाई सारा दिन घर पे बैठ रहता हूँ मैं, और कॉलेज जाके मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा आज, क्योंकि भाई वही है ना कि सारा दिन मैं घर पे बैठ रहा हूँ, या तो काम करना है भाई, दबके करना है, मतलब काम मिल जाए, वही है कि बोलने से कुछ नहीं होने वाला भाई, मैं बोलता तो काम करना, काम चाहिए। निकलूँगा अब, कल भी कॉलेज है तो परसों ही निकल पाऊँगा यार, जाकर रिज्यूम वगैरह बांटेंगे, एजेंसी वगैरह खड़काएंगे, तो देखते हैं काम मिलता है कि नहीं मिलता। बाकी सिक्योरिटी तो है ही है, एक बार उसका भी लाइसेंस आ जाए तो फिर उसका भी देखते हैं क्या सीन करना है। तो अभी के लिए भाई करते हैं व्लॉग को यहीं पर ख़त्म, तो आई होप यू इन्जॉयड दिस व्लॉग। बाकी टाइटल क्या रहने वाला इस व्लॉग, देख लेना चलो जो भी है, बाकी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।